सीसीएन न्यूज़ में आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष भूपेश खेतवाल। उनसे हम जानेंगे कि अभी हाल ही में जो विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं उसमें दोनों सीटों में कांग्रेस को बड़ी हार मिली है और कपकोट और बागेश्वर विधानसभा अनएक्सपेक्टेड तरीके से कांग्रेस को हार गई है। उनसे जानेंगे कि हार की क्या वजह रही और किस तरह का निर्णय अब वो आगे को लेने जा रहे हैं, क्योंकि हाल के दिनों में बहुत सारे पदाधिकारियों ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया है और नए सिरे से कांग्रेस के गठन की मांग, समीक्षा की मांग, भीतरघाती को पहचान करने की मांग बड़े जोर शोर से उठ रही है। भूपेश जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं सबसे पहले आपका स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। आपके माध्यम से हमारे शहर की हर छोटी बड़ी खबर को आप एक ऐसे मुकाम पर वो करने का काम करते हैं, पहुंचाने का, जिससे काफ़ी लोगों को राहत मिलती है। मैं सीसीएन का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। नमस्कार भूपेश जी, बताएं कि अभी हाल में दो विधानसभा सीटों में आपको हार मिली है, तो पूरे प्रदेश में ही हार मिली है, लेकिन हम सिर्फ ज़िले की बात करें तो दो सीटों में जहां पर आपके दावे थे कि हम दोनों सीटें जीत रहे हैं, तो बहुत ही करारी आपकी हार हुई है। क्या आपने हार की वजह क्या आपकी नज़र में क्या लगती है, क्योंकि आप एक ब्लॉक अध्यक्ष के पद पर भी हैं? ये है, जहाँ तक ये है कि हम लोग, हमारा अभी सारे उत्तराखंड में, पूरे उत्तराखंड में हमारी पार्टी सबसे ऊपर पर थी, और इस बार हमने सोचा भी था कि हम लोगों का काफ़ी अच्छे उससे हम लोग ये होंगे, चुनाव जीतेंगे, लेकिन ये लगता है कि हम लोग जो हमारे जितने भी लोग थे, जो भी मिल रहा था उनके जुबान पे एक ही नाम था कि इस बार हम लोग सत्ता परिवर्तन चाहते हैं। तो काफ़ी हम लोगों को भी काफ़ी अच्छा लग रहा था क्षेत्रों में जाके लोगों से सुन के, कहीं ना कहीं ये लगता है कि हम उन लोगों तक नहीं पहुंच पाए, जनता तक हम अपनी बात नहीं समझा पाए, और कई चीज़ें हैं छोटी बड़ी, हमारे पास न उनकी तरह साजो सामान था, धन बल था, न वो चीज़ें थी, लेकिन हम कार्यकर्ताओं को और जो हमारा मुख्य वो था वोटर, उनको हम नहीं समझा पाए इसकी आपकी वजह जी जी। हाँ, अच्छा भूपेश जी, जब से हार हुई है कांग्रेस में, उसके बाद बहुत सारी पदाधिकारी आपके कार्यकर्ता पदाधिकारी बहुत हताश हैं, निराश हैं, वो उनको ये सूझ नहीं रहा कि हमको क्या करना चाहिए, तो धड़ाधड़ मतलब लगातार आपकी जो है इस्तीफे हो रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे लोगों से, ये कार्यकर्ता जो क्यों इस्तीफा दे रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? अब ये जो चुनाव का दर्द होता है, इसकी चोट बहुत गहरी होती है, क्योंकि जो कार्यकर्ता होता है, जो नेता होता है, वो दिन रात युद्ध स्तर पर क्षेत्र में लगा रहता है, मेहनत करता है, लोगों से मिलता है, रात दिन यही सोचता है कि मैं कैसे अपनी पार्टी को आगे पहुंचाऊं। दर्द बहुत होता है इसमें। अब हर एक का अपना अपना वो है नज़रिया, कोई सोचता है कि क्या पता हम इस्तीफे दें और हम नई ज़मीनी तौर पर नई पार्टी को खड़ी करें, अपनी पार्टी में ऐसे लोगों को जोड़ें जिन लोगों से, जो लोग हमारी बातें समझा पाए, वोटर को समझा पाए। अभी तो काफ़ी चीज़ें होनी हैं, अब हम नए सिरे से शुरू करेंगे, नए लोगों को जोड़ेंगे। एक आपको मैं एक को दिलाना चाहता हूं भरोसा कि आने वाले समय में आपको यहां पर को काफ़ी मजबूत कांग्रेस मिलेगी। अच्छा उपेश जी, दोनों सीटों में माना जा रहा है कि एक अंदर से आवाज़ उठ रही है कि दोनों सीटों में आपका भीतरघात हुआ है, आपको भीतरघात की आशंका क्या लगती है, और अगर भीतरघात हुआ है तो किस तरह की कार्रवाई या समीक्षा आप चाहते हैं? ये तो बागेश्वर पूरा डिस्ट्रिक्ट जानता है, भीतरघात शब्द जो है ऐसी नहीं लगता है। जीत जाते तो कोई इस शब्द को नहीं कहता। अभी हम हारे हैं दोनों सीटों पे, क्योंकि दोनों सीटें हम जीत रहे थे, दोनों सीटें जीत रहे थे, जो हिसाब से लोगों का कहना है, हमारे कार्यकर्ताओं का कहना है, भीतरघात की हमको भी आशंका है, भीतरघात हुई है इसमें। तो क्या लगता है कि उन पर कार्रवाई, उनके चिन्हीकरण करके उनको? जी जरूर जरूर, जिसने भीतरघात किया है, क्योंकि देखो आने वाले समय के लिए भी हमको उनको चिन्हित करना पड़ेगा, क्योंकि ये दिन रात आदमी पूरी सूझबूझ से 5 साल तक फील्ड में रहे, मेहनत करे, घर बार छोड़ के, अब इतनी बड़ी महामारी आई थी कोविड, उसमें भी रोडों पे थे नेता, सब रात दिन अपना घर बार, अपने बच्चों की चिंता बगैर किए हुए रात दिन रोड पे थे। दर्द होता है भाई साहब, काफ़ी होता है, ये तो 5 साल की फसल है ना, 5 साल की फसल, आदमी बड़े प्यार से सींचता है, वो करता है, अंत में चंद
लोग अगर ये चीज़ें करें तो ये गलत है जी। अच्छा भूपेश जी, बीच में मैं जिला पंचायत सदस्य हमारी गोपा थपोला जी, उनसे मैं बातचीत कर रहा था, तो उन्होंने एक बड़ी जिनून बात उठाई। उन्होंने कहा कि जो है अभी ये होना चाहिए कि जो जो भी हमारे पदाधिकारी हैं उनकी 3 महीने की कॉल डिटेल निकाली जानी चाहिए। अगर वो सब कॉल डिटेल निकालने के लिए आगे आते हैं तो भीतरघात की जो जो प्रमाण है वो सबके सामने आ जाएगा। तो आप क्या मानते हैं इस बात को, सबकी कॉल डिटेल क्या निकाली जानी चाहिए? जी हाँ, ज़रूर निकलनी चाहिए कॉल डिटेल। उनके उनके जितने भी क्या कहते हैं फैमिली मेंबर हैं सबकी कॉल डिटेल निकलनी चाहिए, देखना चाहिए। ये चीज़ है कि हमें आगे का रास्ता अपना साफ करना है, आगे के लिए हमको अपना रास्ता अच्छा बनाना है। ये नहीं कि अभी हम ऐसी छोड़ दें कि अब तक कल के दिन में फिर से इसी बात को फिर रिटर्न हो जाए। अभी इस चीज़ को छोड़ना नहीं है। और हम ये चाहते हैं कि सबकी जितने भी उस पर बैठे हैं पद पर सबकी कॉल डिटेल निकले और सबकी जांच हो। तो आपकी भी निकलनी चाहिए? ज़रूर, अवश्य अवश्य निकलनी चाहिए। मेरी निकलनी चाहिए, मेरी फैमिली के हर सदस्य की कॉल डिटेल निकलनी चाहिए जी। अगर ऐसा होता है तो सबसे पहले कॉल डिटेल मैं देने को तैयार हूँ। अच्छा, आप ब्लॉक अध्यक्ष के जिम्मेदार पद पर भी हैं अभी यहाँ पर, तो आप भी क्या बहुत सारे लोग इस्तीफा दे रहे हैं कि आप भी नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे रहे हैं? जी जरूर जरूर, मैं भी इस्तीफा दूंगा। इसलिए दूंगा कि हम लोग जो भी अब नए लोगों को जोड़ेंगे, पूरे जमीनी जो हमारा जमीनी कार्यकर्ता है उससे जोड़ेंगे। ये नहीं कि ये मेरा ये तेरा ये मेरा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। हम अब जमीनी तौर से नए नए उससे हम अपनी पार्टी में हर एक जो भी वो बनेगा तो उसको हम अच्छे से छानबीन करके वो करेंगे जी। अच्छा, एक आपका जो मूल जो आवाज़ है जो आप जहाँ पर रहते हैं वो है आरे में आप रहते हैं जी, जी, तो जी। आरे बूथ में भी कम वोट पड़े उसका एक इशारा कुछ लोग आपकी तरफ कर रहे थे कि आपने कम वोट पड़ने दी वहाँ पर, जिससे जो है ललित पासवान जी को कम वोट मिला। तो क्या आपके पास इसका कोई ऐसा प्रमाण? जी जरूर, मैं नहीं समझता कि मैं अभी इस माध्यम से मैं कहूँ, ये बातें मैं अपने उसमें रखूँगा जो हमारी समीक्षा बैठक होगी जी, उसमें ये बातों को रखूँगा। कई चीज़ें हैं, कई बातें हैं, इस चीज़ को मैं अपने पार्टी फोरम में रखूँगा। अच्छा, क्या अब आप पद से तो इस्तीफा दे रहे हैं, तो क्या पार्टी छोड़ने का या भविष्य के लिए क्या आपकी योजना है, क्या आप राजनीति भी छोड़ रहे हैं या क्या कर रहे हैं? जी नहीं, जब तक शरीर में हमारे क्या कहते हैं जान है, हम इस पार्टी को नहीं छोड़ेंगे। जब से हमने होश संभाला है इसी पार्टी का, हमने वो पकड़ा है झंडा और इस पार्टी को नहीं छोड़ेंगे। हाँ, अपने इससे मैं इस्तीफा दे रहा हूँ, पद से इस्तीफा दे रहा हूँ, इस पार्टी को हम कभी नहीं छोड़ेंगे जी। अच्छा, नए लोगों को जोड़ने के लिए या फिर अन्य जो जिम्मेदार पद पर हैं उनसे भी आप अपील करेंगे कि वो भी पार्टी नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दें और जो नए लोग आ रहे हैं उनको जोड़ा जाए? नए लोगों को जोड़ा जाए, नए लोगों को जोड़ा जाए। और मैं किसी से नहीं कहूँगा कि भैया तुम इस्तीफा दो तुम इस्तीफा दो, ये अपना अपना विवेक है। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरी पार्टी जो भी आए जुड़े, जितने लोग भी क्या कहते हैं नाराज हुए हैं, सबको जोड़ा जाए। एक एक वो होता है ना कि हमारा अगर ये क्या कहते हैं परिवार जितना बड़ा होगा उतना हमको वो मिलेगा, बल मिलेगा। अब एक अगर आप किसी एक आदमी को पर्सनली इधर बुला के वो करके उसको तो आप वो कर लेंगे, जब आपके साथ एक पूरा होगा झुंड होगा तो उसको कोई नहीं हिला सकता। इसलिए ये बहुत अच्छी बात है कि जितने लोग आना चाहते हैं सबको बड़े प्यार से लाया जाए, और हमारा हम भी चाहते हैं कि हमारा परिवार और भी हो, बड़ा हो। यानी कि जो लोग आ रहे हैं जो जुड़ रहे हैं उनका स्वागत होना चाहिए? जी जरूर स्वागत होना चाहिए। ये नहीं कि किसी का क्या कहते हैं विरोध रोष, ये पार्टी किसी एक की नहीं है, ये पार्टी किसी एक की नहीं है, ये हर एक कार्यकर्ता की उतनी वो है क्या कहते हैं भूमिका। यहाँ सबसे पहले कार्यकर्ता की इज्जत होनी चाहिए, जब कार्यकर्ता होगा तभी उनका लीडर होगा, सबसे पहले कार्यकर्ता की इज्जत होनी चाहिए। ठीक है भूपेश जी, आपने हमसे बातचीत की, बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, CCN न्यूज का, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपको प्रणाम। थैंक यू सर। तो आप थे हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के बागेश्वर के ब्लॉक अध्यक्ष भूपेश केतवाल जी, जिन्होंने बहुत सारी बातें उठाई हैं। कुछ बातें उन्होंने नहीं कही हैं, उनका कहना है कि वो पार्टी फोरम में उन बातों को रखेंगे, और उनका कहना है कि पार्टी में नए लोगों को जोड़ा जाना चाहिए और नए सिरे से पार्टी को खड़ा कराना जाना चाहिए, ताकि आने वाले चुनाव में इस तरह की जो आशंकाएँ हैं, इस तरह की जो बातें उठती हैं, बार बार न उठें। CCN न्यूज़ के लिए मैं सुरेश पांडे।